मेरे ठीक पीछे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वो इलाका है जहां पर 10 दिसंबर को बी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा, और ठीक ये वो जगह है जहां पर उसी दिन उसी समय उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो दूसरा खेमा है वो पोक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसी से जुड़े कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। 10 दिसंबर को सेम डे सुबह से शाम तक पोक फेस्टिवल भी रहेगा? हाँ, पोक फेस्टिवल 10 दिसंबर सुबह से शाम तक यहीं आर्ट्स कॉलेज का रहेगा। तो ये क्या बीफ फेस्टिवल को एक जवाब है? बीफ फेस्टिवल का जवाब देने का जरूरत नहीं है, हम उनके जवाब में और उनके खिलाफ में हम पोर्क फेस्टिवल नहीं बना रहे हैं, हम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। हम ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भोजन है, हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं है, उसके जवाब में नहीं हो गए। उसके खिलाफ नहीं है, उसके जवाब में नहीं होगा। कितने स्टूडेंट्स तकरीबन इससे जुड़े हुए हैं? नहीं, मतलब हमको तो बहुत लोग बाहर से फ़ोन कर रहे हैं कि हम आके पार्टिसिपेशन करेंगे कि बोल रहे हैं, इसलिए हमको अब तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि इतना लोग आए। कि हमको तो हमारा जो पोर्क का रेयरिंग का कैटेगरी है उनका मदद है, उनसे हम मिलके करेंगे, और कितना लोग भी आएगा तो भी उनसे भी हम मिलके सक्सेस करेंगे। इंडस्ट्री, इनफैक्ट दिस वाज माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये सब कुछ आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे? yeah. यहाँ पर उस दिन कोई बवाल नहीं होगा, इस बात की गारंटी आप लोग ले रहे हैं? हम 100% देंगे, हमारे तरफ से तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम तो शांति से बना लेंगे। हमारी ये फेस्टिवल, ये संस्कृति जो है, ये संस्कृति समाज में देने के लिए, ये मैसेज भेजने के लिए, और ये पोर्क खाने से आने वाली न्यूट्रिशन और ये हेल्दी फूड है बोल के ये समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो आपने पहल की है समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने की, इसके चक्कर में यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ गई है सरकार को, क्योंकि डर है कि उस दिन कहीं कोई बवाल ना हो जाए। तो ये पूरा TRS गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार जो है, ये सरकार की एक पूरा गेम चला रही है। क्योंकि इससे पहले मेरा मित्र ने बोला था कि बीफ फेस्टिवल बनाने के ये 15 दिन से और 20 दिन से ये पूरा कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिए थे, जब तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कोई अपोज नहीं किया था। लेकिन एक दिन हम पोर्क फेस्टिवल बनाएंगे बोल के एक नारा लिया था, उस दिन से ये सरकार पूरा पुलिस पहला दे रही है, और यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बोल रहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा फेस्टिवल्स बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं बनाना भी नहीं है, बनाने देंगे नहीं भी बोल रहे थे। क्योंकि ये पूरा TRS गवर्नमेंट का ये पूरा गेम है, और आने वाली GHMC इलेक्शंस में ये कम्युनिटी का वोट्स गेन करने के लिए ये पूरा गेम खेल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल गेम प्लान है, और आप लोग इसका हिस्सा नहीं है, और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। तो उम्मीद यही करें कि 10 दिसंबर को यहाँ पर कोई बवाल ना हो, और बीफ फेस्टिवल उसी के साथ पोक फेस्टिवल भी साथ साथ में शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। कैमरामैन हितेश कुमार और मेरे सहयोगी नीरज के साथ मैं वाणी बिष्ट, हैदराबाद से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।